नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। नई दिल्ली में रविवार तड़के हुए एक एक्सीडेंट में पावर लिफ्टिंग के वर्ल्ड चैंपियन सक्षम यादव समेत 5 प्लेयर्स की मौत हो गयी। सक्षम ने पिछले साल देश के लिए पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। सभी खिलाड़ी स्विफ्ट कार में सवार होकर दोस्त रोहित का बर्थडे सेलिब्रेट करने पानीपत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार पहले एक खंभे से टकराई, इसके बाद बैलेंस बिगड़ा और कार डिवाइडर पर चढ़ गई। रोहित की हालत गंभीर है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हादसा रविवार तड़के करीब 4 बजे हुआ। ये सभी प्लेयर्स एक ही कार में सवार होकर दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रहे थे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों घना कोहरा और धुंध है। प्लेयर्स की कार तेज रफ्तार में थी, इसी दौरान वो एक खंभे से जा टकराया। इसके बाद कार का ड्राइवर, जो खुद एक पावर लिफ्टर था, बैलेंस खो बैठा, कार डिवाइडर से जा टकराया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची।